कैसा कनेक्शन होगा प्रीक्वल और सीक्वल में? क्या प्रीक्वल में से रिमेक होगा कोई गाना? क्यों करेंगे सीक्वल में से कंपोज? हेलो एंड वेलकम, दिस इज योर होस्ट पलक फ्रॉम बॉलीग्राड स्टूडियोज एंड वी आर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग वीडियो। बॉलीवुड में जब भी हिट फिल्मों और उनके हिट साउंड ट्रैक एल्बम्स का नाम लिया जाएगा, उसमें 2003 में आई तेरे नाम का नाम जरूर ही शामिल होगा। फिल्म का एक एक गाना सुपर हिट हुआ था। क्यों किसी को लगन लागी, ओ गाना, ओढ़नी, तेरे नाम, उफ ये तो कुछ नाम है फिल्म में हमें मिले हिट सॉन्ग्स के। इनके अलावा तो और भी कई गाने इस फिल्म में थे। फिल्म के ज्यादातर गाने उदित नारायण और अलका याग्निक ने गाए थे, और मानना पड़ेगा कि आखिर क्या गाने गाए उन्होंने। फिल्म में टोटल 12 गाने थे। फिल्म के सारे गाने हिमेश रेशमिया और साजिद वाजिद ने मिलकर कंपोज किए थे, जिसके लिरिक्स समीर और जलीश शेरवानी ने लिखे थे। हम आपको बता दें कि सीक्वल का नाम सिर्फ तेरे नाम रखा गया है, लेकिन अब हम आपके लिए फिल्म के गानों से जुड़ी कुछ बेहद ही इम्पोर्टेंट न्यूज लेकर आए हैं। यूं तो सीक्वल में भी कई अलग अलग गाने होंगे, लेकिन मेकर्स ने डिसाइड किया है कि इसमें एक गाना प्रीक्वल से भी लिया जाएगा। जी हाँ, तेरे नाम का एक बहुत ही फेमस सॉन्ग क्यों किसी को प्यार के बदले को सीक्वल में भी रखा जाएगा। पूरी एल्बम में ये गाना भी फैंस को बहुत ज्यादा प्लीज किया था, ऐसे में सीक्वल में इसे रखना काफी फायदेमंद हो सकता है। अब सीक्वल में कुछ नए गाने तो होंगे ही, लेकिन इस गाने के साथ फिल्म की पूरी किस्मत बदल सकती है, ऐसा मेकर्स का मानना है। उससे भी खास बात यह है कि इस गाने को इस बार मेल और फीमेल वॉइसेस में गवाया जाएगा, और जिसके अलग अलग समय पर फिल्म में रखा जाएगा। गाने की कंपोजिशन के लिए मेकर्स फिलहाल शंकर महादेवन और अमित त्रिवेदी के बीच में थोड़े कंफ्यूज हैं। बता दें कि दोनों ही आर्टिस्ट अपने अपने तरीके से काफी अच्छे हैं, और इनमें से किसी एक का फिल्म में होना सिर्फ फायदे का ही सौदा होगा। हालांकि अब सवाल ये उठता है कि आखिर सीक्वल में ये गाना गाएगा कौन? तो भाई, उसके लिए तो आपको देखनी होगी हमारी आने वाली वीडियो, जिसमें हम इस गाने के अलावा और भी कई खास बातें आपको बताएंगे। तो जुड़ी रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। अलविदा।